कृष्णन जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सकल सनातन धर्म से जुड़े हुए और विशेष रूप से भगवत रामानुज परंपरा से जुड़े हुए सभी भक्तगण और उपस्थित महानुभाव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धराधाम पर 120 वर्षों के बाद इस पावन धरा पर श्रीमद रामानुजाचार्य जी की इस पावन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, पूरे अयोध्यावासियों को हृदय से बधाई देता हूं और यह अवसर आप सबने मुझे दिया है इसके लिए हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम मैं संपन्न कर सकूं। हम सब जानते हैं भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। वेदों की परंपरा उसका साक्षात दर्शन कराती है। हमें वेदों के मंत्रों को हमेशा पूर्व से कहा है, वेदों के मंत्र वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उद्घाटित किए। वे अपने आप को मंत्र दृष्टा तो कहते हैं, मंत्र सृष्टा नहीं। यही भारत की परंपरा है और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए समय समय पर आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण इन पूज्य संतों का, ऋषियों का सानिध्य भारत के धराधाम को प्राप्त हुआ। भले ही हम लोगों ने उसे अलग अलग मार्ग माना हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टता द्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासना एन गतः सपन्था, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी
दर्शन की विशेषता द्वैत की और परंपरा के साथ आगे जुड़ता है, जिसने भारत को एक नई राह दिखाई। इससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग का अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा दी। कालांतर में अनेक इस प्रकार के दृष्टांत हम सबको प्राप्त होते हैं, जब कुछ संतों का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य भारत को हर कालखंड में प्राप्त हुआ और वही दर्शन ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना। वे आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को पुष्ट और परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़कर के क्रमिक एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और भारत आज अपने पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उससे पहले केदारपुरी के पुनरुद्धार कार्य का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ और उससे पहले इसी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कदमों से आगे बढ़ा। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने संतों के दिखाए गए विभिन्न मार्ग जो आज दर्शन विभिन्न प्रकार के दर्शन के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, लोक कल्याण के मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये सभी उसकी प्रेरणा के स्रोत है। उन सब पर हमें गौरव की अनुभूति होती है और ये मेरा सौभाग्य है कि 1000 वर्ष पहले लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत रामानुजाचार्य जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। वे शेषावतार माने जाते हैं और भगवान राम के भव्य मंदिर के पहले उनके अनुज का अवतरण अयोध्या धाम में जितनी भव्यता के साथ हो रहा है, स्वाभाविक रूप से यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, ये हम सब जानते हैं कि श्री यदुगिरी यतिराजा परंपरा ने न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छोड़े बनाए रखा है, बल्कि यह परंपरा यदुगिरी यतिराजा मठ मांड्या कर्नाटक के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन वितरण का हो, छात्रों के स्कॉलरशिप का हो, गरीब कन्याओं को शादी विवाह का कार्यक्रम हो, गरीबों में अन्न वितरण का कार्यक्रम हो, गो रक्षा का कार्यक्रम हो, मठों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, अन्य अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो वास्तव में धर्म के ही भाग है। आप देखते रहोगे आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे मठ और मंदिर अन्य क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा,
लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का